हे गाइस, वापस हम लोग आ चुके हैं पार्लो वर्ल्ड की इस दुनिया के अंदर, जहां पर अभी तक हम लोगों ने 100 डेज सर्वाइव कर चुके हैं। और इस 100 डेज में हम लोगों ने पकड़ा है काफी सारे खतरनाक से पोकेमॉन से। लेकिन गाइस, आज जो पोकेमॉन हम लोग पकड़ने वाले वो है गॉड ऑफ द पोकेमॉन एनुबिस। इस पोकेमॉन को गार्जियन ऑफ द डार्क सन भी कहा जाता है। ये वन ऑफ द गॉड पोकेमॉन है, जिसके सामने बड़े बड़े बॉस पोकेमॉन जैसे कि सुजाकू, रैग्नाहॉग, मिनास्टिंग जैसे पोकेमॉन बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं, और इसीलिए इसको पकड़ना आज काफी ज्यादा टफ होने वाला है। लेकिन गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग गॉड पोकेमॉन एनुबिस को पकड़ के रहेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1000 लाइक का, और सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्योंकि मैं ये पोकेमॉन सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूं। ऑलराइट गाइस, आप सभी को स्वागत है इस पोकेमॉन वर्ल्ड की और एक नए सुहाने दिन में। और आज का शुरुआत काफी ज्यादा शानदार हुआ है, क्योंकि यार आज सुबह ही मुझे मिला है 4 एनुबिस पोकेमॉन। ये सारे एनुबिस पोकेमॉन को मैंने ब्रीडिंग करके निकाला है। किस तरीके से मैंने ब्रीडिंग किया है वो मैं 200 डेज सीरीज में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। फिलहाल इन सारे पोकेमॉन्स का ना लेवल काफ़ी लो है, इनको काम करवा के मैंने लेवल थोड़ा सा ज़्यादा किया था। पहले तो शुरुआत में इन सारे का लेवल 1 था, अभी 23 तक हो चुका है मैक्सिमम। लेकिन गाइस, आज हम लोगों का प्लान है इन सारे एनुबिस का जो बॉस है उसको पकड़ना। उसको हम लोग अगर एक बार पकड़ लिए ना, तो ये सारे पोकेमॉन उसके सामने कुछ भी नहीं। उसके पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे पास कौन से बॉस पोकेमॉन्स है। लगभग मेरे पास सारे ही बॉस पोकेमॉन्स आ चुका है, इनको पकड़ना काफी ज्यादा टफ था मेरे लिए। वो मैं 200 डेज सीरीज में दिखाने वाला हूँ किस तरीके से मैंने उन लोगों को पकड़ा है। फिलहाल गाइस, मैं ये सोच रहा हूँ मेरे पास जो जॉर्मुंटाइड है इसको मैं लेके जाऊँ। ये भी एक सी गॉड पोकेमॉन है और एनुबिस भी एक गॉड पोकेमॉन है, और इसीलिए दोनों का फाइट काफी देखने लायक हो सकता है। अभी देखो मेरे पोकेमॉन टीम में कौन से पोकेमॉन है। रेप्टायरो क्राइस्ट है, यूनिवोल्ट है, जॉर्मुंटाइड है, सुजाकू है और फेंगोल्पी है। लेकिन यार मैंने अभी तक ना एनुबिस के साथ फाइट नहीं लिया है, ना ही उसको देखा है, तो इसीलिए उसको पकड़ना काफी ज्यादा टफ हो सकता है। इसीलिए हम लोग फुल तैयारी के साथ जाएंगे एकदम से। इसलिए मैंने यहाँ पर डायनोसोमलक्स को ले लिया है, यूनिफोल्ड को छोड़ दिया, क्योंकि डायनोसोमलक्स का डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, इसका लाइटनिंग काफ़ी तगड़ा है भाई। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये एनुबिस बॉस कहाँ पे मिलता है। ये वाले एरिया पे मिलता है, यहाँ पर मैं अभी तक नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं सोच रहा था मेरे पास कब तक जॉर्मुंटाइड आ जाएगा, तो मैंने जॉर्मुंटाइड को अपने टीम में ले लिया। इसीलिए फिलहाल तो आ चुके हैं बैम्बू ग्रोव्स में, और मेरे पास अभी फिलहाल देखो गाइस मैंने क्या ओपन कर लिया है। मैंने सुजाकू का सडल भी ओपन कर लिया है, और इसके साथ उड़ने में जो मज़ा आ रहा है ना, ओ भाई अलग ही लेवल लग रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल आगे ही जहाँ पे धुआं दिख रहा है ना, वहीं पे है शायद से एनुबिस गॉट। और इधर क्या हो रहा है, इधर भी कुछ फाइट चल रहा है आई थिंक। मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है, किसी पोकेमॉन का अगर पिंजरे में बंद करके रखा जाए ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है। तो मैं हमेशा आ जाता हूँ इन सारे पोकेमॉन को छुड़वाने के लिए। और ये सिंडिकेट थक सारे दूसरे पोकेमॉन के साथ फाइट कर रहा है, शायद से उनको मार ही देगा, तब तक मैं इसको छोड़ देता हूँ। और ये देखो, ये तो पत्थर में अटक गया, इसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कौन सा पोकेमॉन है, छोटा सा क्यूट सा बिल्ली जैसा मुझे लग रहा है, आई थिंक कोई अच्छा ही पोकेमॉन होगा। चलो अब ये आजाद हो चुका है। अच्छा ये बनी था, अभी तक तो दो ही पकड़ा है, आगे जाके और भी पकड़ेंगे। चलो यहाँ से निकलते हैं जल्द से जल्दी एनुबिस बॉस की तरफ। सुजाकू को बुलाते हैं, सुजाकू को लेके जाएगा अपने साथ। अभी फिलहाल मैं सिंडिकेट थक के साथ फाइट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिंडिकेट थक को सारे मार देगा सुजाकू एक पल में, एक चुटकी में मार सकता है। फिलहाल देखो गाइस आ चुके हम लोग एनुबिस के यहाँ पर। ओ तेरी 47 लेवल है, और इसका हेल्थ भी काफी ज्यादा है 4000। इसके साथ फाइट लेने में तो काफी मजा आने वाला है भाई। ओ भाई ये क्या हुआ, ये तो फाइट स्टार्ट कर दिया। नहीं नहीं ये शायद दूसरे पल्स के साथ अभी फाइट ले रहा है। ठीक है, ये अभी फिलहाल साइड वाले पोकेमॉन को मार रहा है। अच्छा है, हम लोग को जगह क्लियर चाहिए, वरना ये सारे पोकेमॉन बाद में हम लोगों को डिस्टर्ब करने वाला है जब भी हम लोग एनुबिस के साथ फाइट लेंगे। ये देखो सिंडिकेट थक सारे आ चुके हमारे पीछे दौड़ते दौड़ते। और ये कौन सा पोकेमॉन है, अच्छा इसको भी मैंने शायद पकड़ा है एक। वो देखो गाइस एनुबिस आ रहा है हमारी तरफ, एनुबिस आ रहा है। और ये कहाँ पे जा रहे हैं, सुजाकू आज अब मुझे बचा ले, एनुबिस मेरे ऊपर अटैक कर रहा है यार। ओके सुजाकू भी यहाँ पर फाइट स्टार्ट कर चुका है। ओ तेरी एनुबिस तो काफी तगड़ा वहाँ पर फायरबॉल से मार रहा था सुजाकू को। ओ विंड ब्लास्ट मार रहा है काफी तगड़ा। वो देखो कैसे दौड़ के आ रहा हूँ। नो भाई इसने तो एक ही अटैक में मेरा शील्ड एकदम से खा लिया, काफी तगड़ा डैमेज दे रहा है सुजाकू भी एनुबिस को। टक्कर का मुकाबला हो रहा है दोनों के बीच में, फायर बॉल से फुल मुकाबला हो रहा है यहाँ पर एनुबिस के साथ सुजाकू का। ओ तेरी, ओ भाई ये क्या हुआ यार, इसने तो एक ही अटैक में मुझे मार दिया, ये कैसे यार। जितने देर में मैं एनुबिस को समझ पाता उतने देर में एनुबिस तो एक ही अटैक में मुझे खत्म कर दिया। इससे पता लग जाता है एनुबिस का जो अटैक है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और इसीलिए गाइस मैं अभी फिलहाल सोच रहा हूँ एनुबिस को मारने के लिए कुछ शक्तिशाली हथियार चाहिए मुझे, और मेरे पास अभी फिलहाल सिंगल शॉट राइफल नहीं है जिसका अटैक है 1100।
और इसको ओपन करने के लिए मेरे पास पॉलीमर भी नहीं है, मुझे पॉलीमर चाहिए इसको ओपन करने के लिए। तो पॉलीमर फटाफट से कहाँ से ओपन करना पड़ेगा मैं पहले देख लेता हूँ। यहाँ पे तो नहीं होगा, वर्क बेंच में हो सकता है, लेकिन ये वाले वर्क बेंच में पॉलीमर अनलॉक्ड नहीं है। इसके लिए मुझे हाई क्वालिटी वर्क बेंच बनाना पड़ेगा, ये वाला वर्क बेंच प्रोडक्शन असेंबली लेन बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा। और इसके लिए मुझे इनगोट्स भी चाहिए, मेरे पास 41 इनगोट्स है, टोटल मुझे 100 इनगोट्स चाहिए और मैं शायद से इनगोट्स बना भी सकता हूँ लगभग 44 तक ही हो पा रहा है। और भी मुझे चाहिए लगभग और 20 इनगोट्स ले लूंगा तो हो जाएगा, लेकिन यार इनगोट्स के लिए मुझे ओर्स भी चाहिए। ओर्स लेने के लिए चलते गए अभी दूसरे बेस में। ओके तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वर्डन ब्रुक में और यहाँ पर है मेरा दूसरा बेस। ये वाले बेस के अंदर काफी सारे माइनिंग्स है, जैसे कि मैं यहाँ से कोल माइन कर सकता हूँ, ओर माइन कर सकता हूँ और भाई लकड़ी की तो कमी नहीं है। यहाँ पर देखो किस तरीके से ओर माइनिंग चल रहा है यहाँ पर, और मेरे पास ओर की बिल्कुल भी कमी नहीं है, यहाँ पे काफी सारे ओर्स है। ये वाले बेस को मैंने अच्छे से अभी तक बिल्ड नहीं किया है, तो फालतू का बेस मत समझना। ये वाले बेस को मैं आगे जाके और भी अच्छे से बिल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा माइनिंग्स मिल रहा है। और देखो देखते देखते मेरा बैग भी फुल हो चुका है, तो इन सारे ओर्स को लेके चलते हैं अपनों का अपना मेन बेस में। और ये देखो मैं तो बिल्कुल भी चले नहीं पा रहा हूँ यार, मेरा बैग फुल हो गया है, इसीलिए सारे ओर्स को अभी फिलहाल चेस्ट में रख देता हूँ, क्योंकि कल सुबह काम में आएगा। अब फिलहाल रात हो चुका है तो सोने चलते हैं। अभी फिलहाल मैं गाइस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे मिल जाएगा वो सिंगल शॉट राइफल और यहाँ पर दो दो अंडे भी मेरा यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है, दोनों से ही मिला मुझे रिलैक्सरस। ये भी एक काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमन है। फिलहाल तो मेरे पास 100 इनगोट्स हो चुका है, फटाफट से हम लोग प्रोडक्शन असेंबली लेन को लगाते हैं। लेकिन इसको बिल्ड कौन करेगा, अब सारे पोकेमन को बुलाना पड़ेगा, वो देखो धीरे धीरे सारे आ रहे हैं। चलो गाइस फटाफट से बिल्ड करो, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आज तो यार मेरे बेस में एनोबिस आने वाला है, आज तो एनोबिस बॉस को पकड़ के रहेंगे। फिलहाल मैं सिंगल शॉट राइफल को बनाने दे देता हूँ, यहाँ पर डबल बैरल शॉटगन भी है, इसको बाद में बनाएंगे, पहले तो सिंगल शॉट राइफल को बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए देखो इसका अटैक भी ज्यादा है यार, 1100 है, मेरे पास सब कुछ हो चुका है और एनोबिस आके खुद ये वाला चीज़ बना रहा है। इसको पता नहीं है मैं इसको बॉस को पकड़ने जाऊंगा। और इसके लिए मुझे ये राइफल एमो भी चाहिए, राइफल एमो के लिए फटाफट से मैं एमो बनाने यहाँ पर दे देता हूँ। गन पाउडर मुझे चाहिए था, 31 गन पाउडर एक ही बार में बनाऊंगा यहाँ पर मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एमो लगने वाला है इसको पकड़ने के लिए। एनोबिस को छोड़ता है इसके आगे, एनोबिस फटाफट से बना देगा, देखो कितना जल्दी जल्दी ये काम कर रहा है। लेकिन गैस मुझे चाहिए बॉस एनोबिस को, अगर मैंने उसको पकड़ लिया तो वो काफी बड़े बड़े पोकेमन को पकड़ने में मेरा हेल्प करने वाला है। जैसे कि मैं गया था गॉड पोकेमन ब्लैजमथ को पकड़ने, लेकिन ब्लैजमथ तो भाई मेरा सारे पोकेमन को मार दिया, तो मैंने सोचा इस बार मैं लेके जाऊंगा बॉस एनोबिस को। तो फिलहाल मेरा यहाँ पर 70 एमो हो चुका है और इस बार मैं लेके जाने वाला हूँ, देखो रिप्टायरो क्राइस्ट है, मैं लेके जा रहा हूँ वेडेस को, और जर्मुंटाइड भी है, सुजाकु भी है, फेंगोल भी है, तो आई थिंक वेडेस का भी अच्छा खासा काम में देने वाला है। तो फिलहाल आ चुका हूँ मैं एनोबिस के बेस में, अभी फिलहाल मैं सबसे पहले छोड़ने वाला हूँ वन ऑफ द बॉस पोकेमन वीडेस को। आई थिंक वीडेस काफी अच्छा खासा उसको फाइट दे सकता है, क्योंकि वीडेस का जो पावर है ना वो काइंड ऑफ एनोबिस की तरह ही है, वो देखो किस तरीके से एनोबिस की तरह ही चलता है, वो भी एक इंसान जैसा दिखता है, एनोबिस भी एक इंसान जैसा दिखता है, तो भाई वीडेस तो काफी अच्छा खासा फाइट दे सकता है। लेकिन ये एनोबिस आ क्यों नहीं रहा है, आ जा यार मेरे पास आ जा, और ये वीडेस भी उसके पास नहीं जा रहा है, मुझे सही से एनोबिस के नज़दीक में जाना पड़ेगा। अब देखो अब आएगा मजा, वीडेस अपना फाइट स्टार्ट कर चुका है यहाँ पर और एनोबिस भी उसका फाइट स्टार्ट कर चुका है। ओ भाई एक ही अटैक में वीडेस का तो देखो यार हेल्थ कैसे कम कर दिया, आधा कर दिया भाई साहब। नहीं यार वीडेस को बचा के रखना पड़ेगा मुझे, और ये टोको टोको भी आ चुका है। नहीं 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 टोको टोको सारे मेरे वीडेस को डैमेज दे रहा है यार, वीडेस खत्म हो जाएगा, वीडेस खत्म हो जाएगा। और देखो वीडेस का अटैक भी हाईली इफेक्टिव है एनोबिस के खिलाफ, ये सारे टोको टोको ना भाई ऐसे आके हमला कर रहा है मेरे वीडेस के ऊपर। वीडेस एनोबिस के साथ क्या फाइट लगा, वो टोको टोको आके अपना हेल्थ कम कर दे रहा है। और ये देखो ये तो मेरे पीछे पड़ चुका है, मेरे पीछे आके ये ब्लस्ट हो रहा है। ये टोको टोको ने काफ़ी ज़्यादा एनोइंग पोकेमन है भाई, मुझे पता नहीं, काफ़ी मज़ेदार भी लगता है। ओह बच गया बच गया बच गया बच गया भाई बच गया, हल्के से ऊपर बच गया, अभी तो मार देता। और वीडेस देखो यार ऐसे वीडेस मर जाएगा, इसको बुलाते हैं दूसरे पोकेमन छोड़ते हैं जर्मुंटाइड को, देखते हैं जर्मुंटाइड सी गॉड पोकेमन जर्मुंटाइड एनोबिस के आगे क्या करता है भाई साहब। और ये क्या एक ही अटैक में जर्मुंटाइड का हेल्थ देखो आधा कर दिया, दो अटैक में आधा। यार जर्मुंटाइड मार यार मार एनोबिस को, मार क्या कर रहा है, मुझे एनोबिस को पकड़ना है फटाफट से मार। नो भाई साहब मैं तो डर ही गया था एक ही पल के लिए, मुझे लगा था इस बार भी मैं गया। और जर्मुंटाइड देखो गाइस अपना अटैक कर ही नहीं पा रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया भाई साहब, इतना देर के बाद ये अटैक दे रहा है और इसका हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा लो कर नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा था जर्मुंटाइड का भी अच्छा खासा मुकाबला देने वाला है, और देखो बिजली कहाँ पर गिरा रहा है और एनीबिस तो, अरे भाई तीसरी अटैक चौथी अटैक कैसे मार सकता है इतने बड़े पोकेमन को,
इतनी बड़ी सी गॉड पोकेमोन किसने कैसे मार दिया। इस बार मेरे फैंगोल पुछ हो रहा है और देखते हैं फैंगोल कैसे काम लेता है। फैंगोल का काफ़ी ज़्यादा स्किल्स ओपन कर दिया मैंने और ये सारे टोको टोको भी आ रहा है यार, टोको टोको बीच में आ रहा है, टोकने आ रहा है, मैं पता नहीं क्यों ये टोको टोको सारे बीच में आके गड़बड़ कर रहा है। देखो कैसे सारे बीच में आ रहा है, शायद से ये सारे टोको टोको एनुबिस को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो देखो एनुबिस किस तरह से भागा, टोको टोको से किस तरीके से भागा। फिलहाल मेरा फैंगोल यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे रहा है और ये टोको टोको भी आ चुका था। चलो लास्ट टोको टोको था, इसको भी मार दिया। ओ भाई उसको तो जमा दिया था, एनुबिस को जमा दिया था। ओ नो ये कौन सा अटैक मारा, एक ही अटैक में मार दिया भाई, फैंगोल पे भी उड़ा दिया। ओ भाई साहब फिर से बच गया, बच के रहना पड़ेगा भाई, इससे बच के रहना पड़ेगा। आई थिंक इसको शायद वैडस ही मार सकता है, मैंने देखा है यार वैडस काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको, देखो किस तरीके से इसने एकदम से जकड़ लिया है भाई। इसका जो अटैक है ना हाईली इफेक्टिव है, एनुबिस के खिलाफ हाईली इफेक्टिव है। ओ हो विंड से भी मार रहा है और इसका हेल्थ काफ़ी जल्दी जल्दी डाउन कर रहा है। ओ भाई काफ़ी तगड़ा तगड़ा किक भी मार रहा है उसको, काफ़ी सही यार। मैं भी इसको सिंगल शॉट राइफल से मार रहा हूँ फिलहाल, तो हिट शॉट देना पड़ेगा, हिट शॉट आजा बेटा आजा, हिट शॉट देता है फटाफट। ओ एनुबिस का वो घूमने वाला जो किक है ना उससे बच के रहना पड़ेगा भाई, उससे बच के रहना पड़ेगा। वेडस का हेल्थ उसने काफ़ी लो कर दिया था, मैंने उसको बुला लिया। अभी फिलहाल रेप्टाइडो क्रैश को छोड़ता है, आई थिंक रेप्टाइडो क्रैश भी अच्छा खासा उसको डैमेज दे सकता है एनुबिस को। लेकिन एनुबिस कहाँ कहाँ पर यार, ये चला गया कहाँ, मिड फाइट में चला गया भाई। गाइस मैंने एनुबिस का हेल्थ काफी लो कर दिया था लेकिन ये पता नहीं दिखने रहा अभी फिलहाल, काफी देर से ढूंढ रहा हूँ सुजा को लेकर ढूंढने लग गया। अरे ये भाई ये तो फिर से अपने बेस में आ गया, लगता है एनुबिस डर के मारे भाग गया था मेरे से उस टाइम पे, क्योंकि मैंने उसका हेल्थ आधा कर दिया था। इस बार दोबारा से मैंने रेप्टाइडो क्रैश को छोड़ा है, रेप्टाइडो क्रैश का हेल्थ भी आधा है अभी फिलहाल, काफी बढ़िया अटैक कर रहा है। ओ भाई ये क्या हुआ, ये तो मेरे ऊपर अटैक दे रहा था लेकिन रेप्टाइडो क्रैश को थोड़ा सा ही लगा भाई, उसने रेप्टाइडो क्रैश को एक ही बार में ले लिया, आधा हेल्थ एक ही बार में ले लिया एक ही अटैक में। भाई साहब रेप्टाइडो क्रैश काफी बढ़िया था, बढ़िया तरीके से अटैक दे रहा था, लेकिन इस बार देखते हैं सुजाकू क्या करता है। ओ ओ ओ ओके ओके, सुजाकू काफ़ी आसानी से मार रहा है उसको, 2900 इसका हेल्थ अभी तक बचा हुआ है। ओ नो सुजाकू डेंजर में आ चुका है यार, 1 HP बचा हुआ है सुजाकू का, 1 HP बचा हुआ है, मार दिया सुजाकू को भाई साहब, मारना पड़ेगा यार, काफी खतरनाक पोकेमोन है ये एनुबिस। और मैं फिलहाल दोबारा से वैडस को मैंने यहाँ पर छोड़ा है, देखते हैं वैडस क्या इसका हेल्थ और थोड़ा सा कम कर पाएगा, लगभग थोड़ा सा ही कम करना है मुझे। इतने भी अच्छे अच्छे पोकेमोन थे, सारे पोकेमोन को इसने मार दिया, वैडस का भी यहाँ पर लगभग हालत टाइट हो चुका है अब तो, मुझे लग रहा है ऐसा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसको हेडशॉट मारने की कोशिश करता है, आजा बेटा मैं तुझे हेडशॉट दूंगा। ओ भाई हेड शॉट मारने की कोशिश कर, लेकिन इसने तो अपना पोजीशन ही चेंज कर दिया, देखो किस तरीके से फ्लैश की तरह ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ओ नो अगर मैं इसके नीचे आ जाता तो अभी मर जाता। ओ भाई नहीं 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 यार गाइस काफी ज्यादा इफेक्टिव है यार एनुबिस गॉड का अटैक, इसके लिए शायद से मुझे दूसरे गॉड पोकेमोन का लेना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो मेरे बेस पे अटैक आ चुका है। और ये देखो कौन सा पोकेमोन आ रहा है, सुजाकुयाको आ रहा है, वो भी दो, इन दोनों में से देख सुजाकुयाको को मैं पकड़ के रहूंगा क्योंकि मेरे पास अभी तक एक भी सुजाकुयाको नहीं है, आई थिंक इस बार ये आ जाएगा। चलो गाइस फाइनली एक सुजाकुयाको आ चुका है 100%। फिलहाल तो मेरे पोकेमोन सारे इन सारे पोकेमोन को भगा दिया मारते मारते, और काफी सारे पोकेमोन यहाँ पर देखो कैसे मरे पड़े हैं। लेकिन गाइस अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ मैं किस तरीके से एनुबिस बॉस को पकड़ पाऊंगा, उसके लिए मुझे काफी सारे बॉस पोकेमोन को चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा लास्ट टाइम मैं लेके गया था एक्वागॉड पोकेमोन जार्मून टाइप को, इतने बड़े पोकेमोन को उसने किस तरीके से धो दिया, और रेप्टाइडो क्रैश का भी हालत कुछ ऐसा ही था। तो फिलहाल मैंने सोचा इस बार मैं लेके जाऊंगा दो इलेक्ट्रिक पोकेमोन को, एक है इलेक्ट्रिक बॉस पोकेमोन डायनोसम लक्स, दूसरा है मोसंडा लक्स, दोनों ही बॉस पोकेमोन है। आई थिंक ये दोनों पोकेमोन बहुत ही अच्छे खासा एनुबिस को टक्कर दे सकता है। फिलहाल तो गाइस सुबह हो चुका है, चलते हम लोग फटाफट से एनुबिस के बेस में, और आती में सबसे पहले यहाँ पर मोसंडलक्स को छोड़ दिया, और ये देखो आती ये तो अपना जलवा स्टार्ट कर दे यहाँ पर। ओ भाई ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक फेंक रहा है इसके ऊपर। ओ नो उस तरफ देखो गाइस एनुबिस भी दौड़ के आ रहा है, ओ तेरी एनुबिस भी दौड़ के आ रहा है। ओ भाई टोको टोको भी आ चुका है, टोकने आ चुका है। फिलहाल तो मैंने अपना मोसंडलक्स को अंदर ले लिया क्योंकि टोको टोको आके उसके आगे फट जाता ना, तो टोको टोको काफी बढ़िया तरीके से उसको डैमेज दे सकता था। ओ नो गाइस मोसंडलक्स का भी हालत टाइट हो रहा है, एक ही अटैक में उसने उसका 80% हेल्थ खा लिया भाई साहब। मोसंडलक्स को बच के रहना पड़ेगा भाई, मैं दूसरा पोकेमोन को छोड़ता हूँ यहाँ पर, वेडस को छोड़ के देखते हैं। वेडस लास्ट टाइम काफी ज्यादा इफेक्टिव था एनुबिस के खिलाफ, आई थिंक इस बार एनुबिस के साथ काफी बढ़िया टक्कर ले सकता है। ओ तेरी एनुबिस उसके ऊपर काफी अटैक दे रहा है यार, देख सकते हो। ओ भाई
यार ये वाला अटैक किया उसके ऊपर, वीडस के ऊपर, और देखो वीडस का देखो एकदम से डेंजर में आ गया वीडस। दूसरे पोकेमोन को छोड़ता है, इस बार मैंने सुजाकू को छोड़ा। सुजाकू भी बहुत ही अच्छी तरीके से अटैक दे रहा था लास्ट टाइम। मार बेटा अच्छे से मार, आज तो किसी न किसी तरह हम लोग एनुबिस गॉड को पकड़ के ही रहेंगे। यार देखो एनुबिस गॉड सुजाकू का हालत काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया। फिलहाल मैंने रेप्टायर को छोड़ा, ओह ये तो एक पल में मेरे आगे आ गया, पाल वाल बच गया भाई। और रेप्टायरो देखो कुछ कर ही नहीं रहा है इसके आगे, पता नहीं रेप्टायरो क्रश भी कुछ कर ही नहीं रहा था, ये तो फिलहाल उसके आगे पत्थर फेंक रहा है। ओहो ओ बच गया बच गया बच गया, रेप्टायरो बच गया भाई। मुझे ऐसा लग रहा है रेप्टायरो भी कुछ कर ही नहीं रहा है, मैंने कमेंट भी दिया अटैक एग्रेसिवली लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहा यार, पता नहीं क्यों। मैं तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड में आ गया, अब कैसे मैं मारूंगा इसको। फिलहाल मैंने डायनासोर लक्स को छोड़ा, ये मेरा लास्ट होप है। आई थिंक डायनासोर लक्स काफ़ी अच्छा खासा अटैक दे सकता है उसको। ओ भाई 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 बिजली का अटैक क्या ही खतरनाक दिया, लेकिन ये क्या, इसने तो एनुबिस का हेल्थ एकदम भी डाउन नहीं कर पाया भाई। और देखो डायनासोर लक्स का हेल्थ एकदम से काफ़ी तगड़ा इसने डाउन किया, और एनुबिस तो उसके बिजली से बच के जा रहा है भाई साहब। डायनासोर लक्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ये देखो फ्लेम से भी अटैक दे रहा था, लेकिन किस तरीके से भाई साहब एक ही झटके में। ये वाला अटैक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है एनुबिस का, उसने डायनासोर लक्स को उड़ा दिया भाई साहब। दोबारा से मैंने सुजाकू को छोड़ा, सुजाकू का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। ओ भाई भाई भाई, भाई बच गया, मैं तो बच गया। 76 वन एचपी कर दिया इसने मुझे, अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ही कुछ खुद करना पड़ेगा। बचा ले यार मुसंडा लक्स, इतना बड़ा हाथी जैसा शरीर लेके क्या कर रहा है, बचा ले भाई। ओहो मुसंडा लक्स के पीछे वो पड़ गया, मुसंडा लक्स भाई मेरा आखिरी उम्मीद है। रिप्टायर वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है भाई साहब, सारे पोकेमोन फीके पड़ रहे इसके आगे, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। शायद से मुझे इसके आगे लेजेंडरी पोकेमोन लेके आना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। कमेंड एग्रेसिवली किया, फिर भी ये अटैक ही नहीं दे रहा है। रेप्टायरो कुछ कर भाई, कर क्यों नहीं पा रहा है। ओ तेरी, ये तो आग फेंक के मार रहा है। वेडस को छोड़ के देखता हूँ, वेडस मेरा बचा हुआ अभी भी। मेरा दो दो पोकेमोन मर गया, एक तो सुजाकू मर चुका है और डायनासोर लक्स भी मर चुका है। फिलहाल ये वेडस से कुछ कर सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। 1470 हेल्थ बचा हुआ अभी भी। यार ये वाला जो दौड़ने वाला अटैक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे बच कर रहना पड़ेगा भाई। फिलहाल बंदूक से ही मैं मार रहा हूँ इसको, और मेरा अर्मर भी डैमेज्ड हो चुका है, मेरा भी हालत टाइट हो रहा है इसके साथ फाइट करते करते। ये देखो किस तरीके से बच के जा रहा है। ओ भाई ओ तेरी, गया मैं गया भाई, पत्थर के नीचे आ गया। इसको पकड़ने के लिए गाइस इसके जैसा ही हेल्थ वाला मुझे एक बॉस पोकेमोन चाहिए। फिलहाल मैं आ चुका हूँ मेमोरिस्ट को पकड़ने के लिए। ये वाले बॉस पोकेमोन को मैंने अभी तक नहीं पकड़ा है, लास्ट टाइम मैं इसको मार दिया था लेकिन इसको मैं पकड़ नहीं पाया था। फिलहाल मैं इसके आगे लेके आ चुका हूँ रैग्नाहोक को, देखते हैं रैग्नाहोक किस तरीके से इसको ऊपर अटैक दे रहा है। ओ भाई रैग्नाहोक तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इसके आगे, देख रहे हो किस तरीके से उछल उछल के भाई मार रहा है उसको। कभी सैंड ब्लास्ट मार रहा है, कभी विंड ब्लास्ट मार रहा है भाई साहब, काफ़ी बढ़िया से अटैक दे रहा है। आई थिंक मैं इसको पकड़ लूँगा एक ही बार में। रैग्नाहोक का हाल तो काफ़ी ख़राब हो चुका था, लेकिन ये मेरे एक ही बार में हाथ में आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है ये मेमोरिस्ट कुछ खास काम में नहीं देगा। देखो इसका अटैक पावर काफ़ी कम है, मैं जैसा सोच रहा था वैसा नहीं होने वाला है। इस बार मैं वैनवाम और रैग्नाहोक के लेके जाने वाला हूँ। फिलहाल तो मेरे पास जो वैनवाम है ना उसका अटैक पावर 500 के ऊपर है, हल्के में मत लेना वैनवाम को। फिलहाल मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है बैटल, देखते हैं वैनवाम क्या मार पाता है। भाई साहब मार भाई एग्रेसिवली, कमेंड एग्रेसिवली भाई। ओ वैनवाम क्या कर रहे भाई, बेटा मार उसको, मेरे पीछे पीछे मत मार उसको भाई, अरे मार। ये अटैक दे रहा है लेकिन यार वैनवाम उसको ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रहा है, पता नहीं। वो देखो वैनवाम पीछे क्या घूम के क्या कर रहा है भाई। वैनवाम मार भाई, यार वैनवाम मार, ये मुझे मार देगा। अब बस ही शुरुआत में इसने मेरा हालत पूरा टाइट कर दिया, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। चल वैनवाम भागते यहाँ से भाई साहब। ये देखो वो तो भागने के मूड में था लेकिन मुझे मार ही दिया फाइनली। मुझे दूसरे बड़े बड़े और भी पोकेमोन चाहिए उसको मारने के लिए। और ये देखो सामने कौन सा पोकेमोन आ चुका है मेरा, मेमोरिस क्रिस्ट, वो भी 42 लेवल का। और मैं यहाँ पर सुजाकू को लेकर आ चुका हूँ, देखते हैं मैं इसको पकड़ना चाहूँगा फिलहाल तो, क्योंकि लास्ट टाइम मेमोरिस्ट को जो मैंने पकड़ा था उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो आई थिंक इसका अटैक मेमोरिस क्रिस्ट का थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। चलो फाइनली मैं आई थिंक इसको पकड़ लूँगा। आने वाला है। चलो गाइस ये तो आ चुका है बहुत आसानी से। सुजाकू का ये कुछ भी कर नहीं पाया है, मुझे पता नहीं मेमोरिस क्रिस्ट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक यहाँ पर देखो कौन सा पोकेमोन है। ओ भाई यहाँ पर लग रहा है गाइस फ्रॉस्ट्रेलियन है। ओ तेरी, फ्रॉस्ट्रेलियन को अगर मैं पकड़ लूंगा ना तो वो तो मेरे चुटकी में हाथ में आ जाएगा। इसका हेल्थ भी देखो 13,000। ओ भाई 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 भाई,
चले गए, अटैक स्टार्ट करते हैं। और देखो सुजाकू कहाँ भाग रहा है। अरे सुजाकू इसके आगे मार भाई, कमेंट दे रहा हूँ भाई अपने पोकेमॉन को, उसके बाद भी अटैक नहीं दे रहा है। जब मैंने अपना फाइट स्टार्ट किया तब जाके ये अपना अटैक दे रहा है भाई, समझ रहे हो ना। ये सारे पोकेमॉन मेरे इन बड़े बड़े पोकेमॉन से डर रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब फ्रॉस्टलैंड को मैं एक बार पकड़ लूँगा तो एनोबिस गॉड को तो मैं आसानी से पकड़ ही सकता हूँ, क्योंकि इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, इसका डिफेंस पावर काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर तो भाई साहब छक्के छोड़ रहा है भाई, फ्रॉस्टलैंड के छक्के छोड़ रहा है, वो नीचे से अटैक नहीं दे पा रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे ऊपर से अटैक देने में। और देखो सुजाकू का अटैक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है फ्रॉस्टलैंड के आगे, फिलहाल तो फ्रॉस्टलैंड आई थिंक आसानी से मेरे हाथ में आ जाएगा। चल बेटा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर भाई, जल्दी जल्दी ख़त्म कर। ओ नहीं 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 नहीं, सुजाकू को मार दिया भाई, सुजाकू को मार दिया। फ्रॉस्टलैंड को पकड़ना जितना ज़्यादा आसान सोच रहा था उतना आसान तो नहीं हो रहा है, मेरा आर्मर डैमेज कर दिया इसने। फिलहाल मैंने यहाँ पर वैनवाम को छोड़ा है, और ये देखो वैनवाम के साथ कैसे इसका अटैक हो रहा है। वैनवाम का डैमेज 500 है, और मैंने यहाँ पर कमेंट भी दिया है एग्रेसिव अटैक करने के लिए। अभी फिलहाल 2000 ही हेल्थ कम कर रहा है फिलहाल। ओ भाई एक ही अटैक में वैनवाम का हेल्थ इसने आधा कर दिया। रैग्नाहॉक को छोड़ के देखता है, आई थिंक रैग्नाहॉक कुछ कर पाएगा, और रैग्नाहॉक का अटैक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इसके आगे। क्या हो रहा है ये, पर वैनवाम भी कुछ कर नहीं पा रहा है, रैग्नाहॉक भी कुछ कर नहीं पा रहा है भाई साहब, सारे का अटैक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है भाई। मैंने यहाँ पर फिलहाल रेप्टायरो को छोड़ा है, देखो रेप्टायरो, वो रेप्टायरो क्या कर रहा है, एक ही जगह में बैठा क्यों है गाइस, शायद से रेप्टायरो ठंड में अटैक दे ही नहीं पा रहा है। ओ भाई और ये क्या यार, इसने तो एक ही अटैक में मेरा पूरा हेल्थ खा दिया। गाइस फ्रॉस्टलैंड को पकड़ना काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो इसीलिए मैं सोचा यार फिर से मुझे जाना पड़ेगा एनोबिस को ही पकड़ने के लिए। और इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा दिमाग से भी खेलूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी बार इसको पकड़ने आ चुका हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है ना मुझे इसके बच के फाइट लेना पड़ेगा तभी जाके मैं इसको पकड़ पाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी करा है। फिलहाल तो यहाँ पर मैंने अपना अटैक स्टार्ट कर दिया है, आ जा सुजाकू इसको अटैक कर भाई, तो पीछे वाले के गू मार रहा है। और ये देखो गाइस इसने तो शुरुआत में सुजाकू का हेल्थ एकदम पूरा डाउन कर लिया। फिलहाल मैंने यहाँ पर वेडेस को छोड़ के देखा है। ओ भाई 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 वेडेस, ओह भाई कितनी जल्दी जल्दी लात मार रहे उसको, किक पावर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल तो देखो जैसे ही वो अपना विंड छोड़ रहा था ना इसके ऊपर, मैंने वेडेस को एकदम से अपने अंदर बुला लिया। फिर से वो जैसे ही उसको आग से अटैक दे रहा था, मैंने फिर से वेडेस को अपने अंदर बुला लिया। इस बार भी जैसे ही वो अपना सैंड अटैक दे रहा है, मैंने वेडेस को अपने अंदर बुला लिया। वो देखो किक अटैक दे रहा है, मैंने वेडेस को बुला लिया, लेकिन वेडेस का हेल्थ थोड़ा सा डाउन हो चुका है। मुझे आई थिंक दूसरे पोकेमॉन का भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि वेडेस का हेल्थ काफ़ी डाउन है, उसको थोड़ा सा हील अप करने देता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर रेप्टायरो क्रिस्ट को छोड़ा है, रेप्टायरो क्रिस्ट का काफ़ी ज़्यादा डिफेंस पावर अच्छा है। जैसे ही अटैक कर रहा है वैसे ही मैं अपने पोकेमॉन को अंदर ले रहा हूँ, और इस तरीके से देखो गाइस 3500 तक कर दिया मैंने इसका हेल्थ। अब देखता हूँ मैं कैसे ये बच के निकलता है भाई इस बार। लेकिन गाइस पता नहीं है रेप्टायरो क्रेस्ट उसके ऊपर अटैक दे ही नहीं रहा है यार, एक ही जगह में खड़ा है कुछ कर ही नहीं रहा है भाई, जल्दी अटैक दे। ओ भाई 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 नहीं यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फ्रीज कर दे बेटा इसको, फ्रीज कर दे। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर रैग्नाहॉक को छोड़ा है, और मैंने इसका हेल्थ लगभग 2600 कर दिया भाई, 1500 हेल्थ कम कर दिया है। ओ भाई 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 रैग्नाहॉक थोड़ा सा दूर से अटैक दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है उसी लिए, और रैग्नाहॉक का भी हेल्थ काफ़ी डाउन हो चुका है। मैं दोबारा से वेडेस को छोड़ता हूँ, क्योंकि वेडेस का अभी थोड़ा सा रिवाइव हो चुका है, उसका हेल्थ देखो अभी ज़्यादा हो चुका है। ओ भाई देखो जैसे ही वेडेस के ऊपर वो अटैक दे रहा है, मैं वेडेस को बुला ले रहा हूँ अंदर, इस बार भी वही करूँगा। मार बेटा उसको मार, मैं तेरे साथ हूँ। ओ भाई जैसे ही अटैक दे रहा है वैसे ही मैं छोड़ दे रहा हूँ। इस बार देखो गाइस अटैक किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ वेडेस को, ये दोबारा से मेरे पीछे आ चुका है। ओह भाई मज़ा आ रहा है अभी इसको मारने में, मज़ा आ रहा है। वेडेस का भी ये कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है भाई, जैसे मैं गोली मार रहा हूँ ये अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है। अब देखो गाइस मैंने इसका हेल्थ 2000 कर दिया, देखते देखते। ओ भाई साहब इस तरीके से अटैक देना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, जब भी ये अपने पोकेमॉन के ऊपर अटैक दे रहा है ना तभी मैं अपने पोकेमॉन को हटा दे रहा हूँ वहाँ से। देखो जैसे ही उसने स्पिन अटैक मारा तभी मैंने अपने पोकेमॉन को हटा दिया। इसी तरीके से भाई इसका हेल्थ भी देखो भाई 1000 हो गया, 995 हो चुका है फिलहाल तो, इसके ऊपर अभी टाइम आ चुका है, इसका हेल्थ काफ़ी लो हो चुका है ना। इसके ऊपर एक स्पेयर फेंक के देखते हैं, मेगा हाइपर स्पेयर है मेरे पास लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा है। सुजाकू मार भाई इसका हेल्थ डाउन कर यार फिलहाल तो। देखो यार इसका कैप्चर रेट काफ़ी ज़्यादा
ग्लो है, इसका हेल्थ जितना ज़्यादा डाउन होगा उतना ज़्यादा इसका कैप्चर रेट ज़्यादा होने वाला है। ओ भाई भाई भाई, ये तो मेरे ऊपर अटैक दे रहा है, अभी मुझे बच के रहना पड़ेगा और मेरा पाल टीम भी हंगड़ी हो चुका है। ओ नो भाई, ये मेरा हेल्थ कितना ज़्यादा डाउन कर दिया, ये मेरे ऊपर अभी अटैक दे रहा है, ये मेरे पोकेमॉन के ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं दे रहा है, मेरे ऊपर अटैक दे रहा है। अभी देखो गाइस, ये मेरे पीछे पड़ चुका है, ये मुझे मारने लगा है क्योंकि इसको पता है अगर मैं एक बार मर गया तो ये आसानी से बच जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर दोबारा से इसको ऊपर छोड़ रहा हूँ अपना हाइपर स्पर, और देखो गाइस मेरे पास अभी फिलहाल चार ही हाइपर स्पर बचा हुआ है। वो बच गया बच गया बच गया भाई बच गया। मेरे पास देखो गाइस अभी तीन हाइपर स्पर है, ये तीन हाइपर स्पर मेरे पास अभी लास्ट उम्मीद है। 5% नहीं यार, दो दो हाइपर स्पर, मुझे गीगा स्पर छोड़ के देखना पड़ेगा, 7 गीगा स्पर है। आ जा बेटा यार, इतना ज़्यादा हेल्थ डाउन कर देना, मुझे ऐसा लग रहा है अभी ये मर जाएगा लेकिन मेरे हाथ में नहीं आएगा। ओ नो नो नो, फिर से भाई रैग्नारोक का हालत ख़राब कर दिया इसने। आ जा भाई आ जा, लास्ट हाइपर स्पर है मेरे पास, लास्ट हाइपर स्पर है, 5%, और ये क्या, आई थिंक ये आ जाएगा पकड़ में। ओ तेरी, 100% हो चुका है, इतनी ज़्यादा फाइट लेने के बाद फाइनली ये मेरे हाथ में आ चुका है। बहुत ही मज़ा आया इसके साथ फाइट लेने में, मुझे तो लास्ट टाइम में डर लग गया था कि मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। देखो गाइस मेरे पास ये हाइपर स्पेयर ओपन है और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ इस लेजेंडरी स्पेयर को ओपन करने के लिए और ये हाइपर शील्ड को भी ओपन करने के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँगा पकड़ने नेक्स्ट पोकेमॉन ब्लैजमाथ को, वो भी एक बहुत ही बड़ी गॉड पोकेमॉन है जो एनुबिस गॉड से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है। और ये देखो यार, इन लोगों ने तो मेरा बेस ही तोड़ दिया और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी नेक्स्ट टाइम अपना बेस को भी अपग्रेड करूँ। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं किस तरीके से ब्लैजमाथ को पकड़ने वाला हूं। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, आप सभी के साथ मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो पर।